हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डबल ए वैदिक ज्ञान केडी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और फ्रेंड्स, अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो उसके साइड में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर देना ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हम किस किस तरीके से और किस किस रूट से अपने शरीर में हम मेडिसिन ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेनली टू टाइप्स के हैं। नंबर वन है सिस्टमिक और नंबर टू है फ्रेंड्स अपना टॉपिकली। टॉपिकली को हम टॉपिकल और सिस्टमैटिकली को हम सिस्टमैटिक भी कह सकते हैं, यानी कि जो हमारा सिस्टमैटिक है, सिस्टमैटिक में जो हम अपने यानी कि सिस्टमैटिक में आ जाएगा हम जो अपने माउथ या फिर जो हमारे इंजेक्ट की जा रही है। सो फ्रेंड्स, आज हम अपनी वीडियो में किस हमारे जो सिस्टमैटिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आज हम किसके उसमें बात करेंगे, सिस्टमैटिक के बारे में, सिस्टमैटिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा हम दोनों के बारे में बता देते हैं कि सिस्टमैटिक यानी कि जो हम जैसे कि जो और करें सिस्टमैटिक में जो इंजेक्टेबल है जैसे ओइंटमेंट, सिरप हो, ये सब चीज हमारे सिस्टमैटिक में आएगी। ओइंटमेंट हो गया, करें ओइंटमेंट क्रीम और जो हम अपने माउथ के थ्रू टैबलेट कैप्सूल, ये सब हमारे सिस्टमैटिक में आएगी। और जो हम इंजेक्टेबल जैसे इंजेक्शंस हो गए, ये सब हमारे कहीं में आएंगे, इंजेक्ट करें सिस्टमैटिक में आएंगे। और जो टॉपिकली है, जो हमारी टॉपिकली यानी कि जो हमारी स्किन पे होगी, स्किन पे मतलब कि जो हम यहाँ पे लगाएंगे जैसे कि कोई क्रीम हो गई, पाउडर हो गए, ये सब हमारे टॉपिकली में आएंगे। इनके कुछ फंक्शंस हमारे सिस्टमैटिक में भी आएंगे और टॉपिकली में भी आएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टमैटिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो फ्रेंड्स, सिस्टमैटिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और फ्रेंड्स अब हम सिस्टमैटिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के से कहना के बारे में पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि जो हमारी वीडियो है, हमने अपनी वीडियो में एक चीज़ और ऐड की है कि जो हमारी वीडियो होगी उसके एंड में हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, जो कहना एक दो क्विज देंगे जिनका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि कौन कहना आंसर, कहना आप उनका आंसर अपना आप सर्च करना और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आते हैं अपने सिस्टमैटिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे। सिस्टमैटिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी दो टाइप का है। सिस्टमैटिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दो टाइप का कैसे है? नंबर वन पे आएगा हमारा ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और नंबर टू पे आएगा हमारा पैरेंटल। पैरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पैरेंट्रल और ओरल। और जो अब हमारा ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये भी फोर टाइप में क्लासिफाइड करना, फोर टाइप्स में डिवाइडेड है, सॉरी फाइव टाइप में ये भी डिवाइडेड है। जो हमारा ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ये फाइव टाइप में डिवाइडेड है। जो हमारा ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है फाइव टाइप में डिवाइडेड है। सबसे पहला है बक्कल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरे नंबर पे आएगा हमारा रेक्टम रूट। इसका ना इन सबके सामने हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारा मेन हेडिंग हो गई, तो अब हम इनके सामने क्या लिखेंगे, बक्कल रूट, रेक्टम रूट। ऐसे अब हम सबलिंगुअल रूट, सब क्यूटेनियस रूट और गैसियस रूट, ये पांच तरीके के रूट है। ओके फ्रेंड्स, जो अभी हमने देखा था कि हमारे क्या ना रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दो टाइप के हैं, सिस्टमैटिक एंड टॉपिकल। सिस्टमैटिक भी दो टाइप का है, ओरल पैरेंट्रल। और जो ओरल रूट है और पैरेंटल रूट है ये भी अलग अलग क्लासिफाइड है। ओरल फाइव टाइप में क्लासिफाइड है, बक्कल रूट, रेक्टम रूट, गैस्ट्रिक रूट, सबलिंगुअल रूट और सबलेबल रूट।
और जो अब हमारा जो बक्कल रूट है, रेक्टम रूट है, अब हम इसमें कौन कौन सी डोजेस प्रोवाइड करेंगे थोड़ी बहुत हम उसके बारे में जान लेते हैं। जो हमारा बक्कल रूट है, बक्कल रूट में हम क्या क्या लेंगे, टैबलेट लेंगे, जेल्स, ऑइंटमेंट, क्रीम, ये सब हमारी बक्कल रूट में आएंगे। और जो कहना है उससे एग्जाम्पलों से पहले हम इनके कहना क्या कर, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या कर लेंगे, उससे पहले हम क्या देख लेते हैं कि हमारा जो रेक्टम रूट है वो भी थ्री पार्ट्स में क्लासिफाइड है। जो हमारा रेक्टम रूट है कितने पार्ट में डिवाइडेड है, वो थ्री पार्ट है फ्रेंड्स। जो हमारा रेक्टम रूट है वो थ्री पार्ट में डिवाइडेड है फ्रेंड्स। जो हमारा रेक्टम रूट है वो इन थ्री पार्ट में डिवाइडेड है, रेक्टल, वैग्रल और यूरेथ्रियल, इन तीन पार्ट में डिवाइडेड है हमारा रेक्टम रूट। अब हम देखते हैं कि बक्कल रूट में हमारे कौन कौन से टैबलेट, कैप्सूल या फिर इस तरीके से कौन कौन से हमारे डोजेस फॉर्म आएंगे। जो हमारा टैबलेट का ना, जो हमारा बक्कल रूट है उसमें हमारा सबसे पहले आएगा टैबलेट, जेली, ऑइंटमेंट और क्रीम, ठीक है फ्रेंड्स। और अब हम देखते हैं अपना रेक्टम रूट। रेक्टम रूट में जो हमारा रेक्टल रूट है उसमें आएगा हमारा सपोजिटोरीज, ऑइंटमेंट, जेलीज, ये सब कहीं आएंगे हमारे रेक्टम रूट के रेक्टल पार्ट में। रेक्टम रूट के रेक्टल पार्ट में आएंगे हमारी सपोजिटोरीज, ऑइंटमेंट, जेलीज। देखिए ऑइंटमेंट हमारा बक्कल रूट में भी आया और रेक्टम रूट में भी आया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद में हम क्या देखेंगे, वैग्रियल रूट में आएगा हमारा सोल्यूशन, सपोजिटोरीज, जेलीज, ऑइंटमेंट, क्रीम, फिर से ऑइंटमेंट, क्रीम, ये सब हमारा रिपीट हो गया पर लेकिन इसमें भी आ रहा है। तो ये नहीं है कि कौन सा कोई से भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, जैसे हमने अब अपना क्रीम हमने इसमें भी सिस्टमैटिक का भी पार्ट, सिस्टमैटिक का पार्ट का सब पार्ट है हमारा रेक्टम और सब सब पार्ट का भी सब पार्ट है हमारा वैग्रियल। सो इस कहना ऐसा नहीं है कि क्रीम हम उसी तरीके से, हम टॉपिकली में भी क्रीम यूज करेंगे। जो जिस रूट से हमने क्रीम यूज कर लिया, ऐसा नहीं है कि वो दूसरे रूट में भी यूज नहीं होगी, वो जरूर दूसरे रूट में भी यूज हो सकती है। अब हम अपना जो रेक्टम रूट है उसका थर्ड पार्ट का है यूरेथ्रियल। यूरेथ्रियल रूट में हमारा आ जाएगा सोल्यूशन, सपोजिटोरीज, क्रीम और ऑइंटमेंट, ये सब हमारे यूरेथ्रियल रूट में आ जाएंगे। अब हमारा बक्कल रूट हो गया और रेक्टम रूट कंप्लीट हो गया, रेक्टम रूट के तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब आ जाएगा हमारे गैस्ट्रिक रूट। गैस्ट्रिक रूट ऑफ रूट में हमारा जाएगा पाउडर, सस्पेंशन, सॉल्यूशन, टैबलेट, कैप्सूल्स, ये सब हमारे गैस्ट्रिक रूट में आ जाएंगे। उसके बाद में आ जाएगा हमारा सब लिग्रेबल रूट में आ जाएगा हमारा टैबलेट, जेली, ऑइंटमेंट और क्रीम, ये सब हमारे सब लिग्रेबल रूट में आ जाएंगे। और सब लिंग्वेबल रूट में आएंगे हमारे पिल्स, टैबलेट, जेलीज, ऑइंटमेंट ओ एसेट्रा, ये सब हमारे आ जाएंगे सब लिग्रेबल रूट में। तो हमारे फ्रेंड्स ये हमारा ओरल रूट कंप्लीट होगा। सिस्टमैटिक का एक पार्ट ओरल रूट और दूसरा पेरेंटल रूट है, तो ओरल रूट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में आ जाएगा हमारा पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के दो टाइप है, सॉरी थ्री टाइप है इसके फ्रेंड्स। नंबर नंबर वन पे है इंट्रावीनस, नंबर वन पे क्या है हमारा इंट्रावीनस, नंबर टू पे है इंट्रा मस्कुलर, इंट्रा मस्कुलर, और नंबर थर्ड पे है हमारा सब क्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस। जो हमारा इंट्रावीनस, जो हमारा पेरेंटरल रूट है इसमें हम सब इंजेक्टेबल, जो हमारे बॉडी में इंजेक्टेबल थिंग्स होती है, जैसे इंट्रावीनस जो इंजेक्शन हमारे वेन्स में लगा जाए वो इंट्रावीनस, और इंट्रावीनस में क्या कहेगा हमारा सॉल्यूशन और इमल्सन, ये सब कहीं में, ये दोनों चीज कहीं में आ गया हमारा इंट्रावीनस में। और जो हमारा इंट्रामस्कुलर जो हमारे मसल्स में लगा जाए वो इंजेक्शन, उस इंजेक्शन में क्या कहेगा हमारे सस्पेंशंस और सॉल्यूशन, और सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस में आएगा हमारा सॉल्यूशन और इमल्सन। और फ्रेंड्स
हमारा आज का सिस्टमैटिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यहीं पे ही खत्म हुआ, और हम अपनी अगली वीडियो में आपको टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा देंगे। और फ्रेंड्स, अगर जो आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना। और फ्रेंड्स, अब हम आपको आज का अपना क्विज, यानी कि आपका क्विज दे रहे हैं कि जो हमारा सबक्यूटेनियस जो पेरेंटल रूट का एक टाइप है, जैसे इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, जो इंट्रावीनस है वो वेंस में इंजेक्शन लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर वो मसल्स में लगाया जाता है, ऐसी जो हमारा सबक्यूटेनियस है वो कहाँ पे और हमारी बॉडी में किस जगह इंजेक्ट किया जाता है, आज का आपका टॉपिक, आज का आपका क्वेश्चन यही है कि ये एक सबक्यूटेनियस किस जगह पे हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर जो आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके अपना क्वेश्चन का आंसर देना, और ये भी बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। और फ्रेंड्स, अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो उसके साइड में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर भी करना, और ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।